आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सोमवार की देर रात रास्ते के विवाद में हुए ग्राम प्रधान की हत्या के नामजद सभी 7 अभियुक्तों को सहजनवा पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त आलाकत लकड़ी का डंडा किया बरामद, भेजा जेल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य अपर चुनाव अधिकारी द्वारा ईवीएम वीवीपैट मशीन से संबंधित FLC पर आयोजित किया गया कार्यशाला। ईवीएम वीवीपैट मशीन के संबंध में दिए दिशा निर्देश। तस्करी के लिए 7 गोवंश को ले जा रहे 3 गौ तस्करों को चौरी चौरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक पिकअप में बरामद हुआ 7 गोवंश, SSP ने दी जानकारी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला स्वास्थ्य समिति एवं कोविड टीकाकरण संबंधित बैठक। स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न योजनाओं की गई समीक्षा। लोगों को बेहतर उपचार के दिए निर्देश। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने किया गीता पृष्ठ का अवलोकन। कहा, हिंदुओं के स्वाभिमान के लिए समर्पित है विश्व हिंदू परिषद। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा, भोजपुरी फिल्मों की पूरे देश में है डिमांड, अब नहीं रही भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता। SP क्राइम की अध्यक्षता में संपन्न हुई विशेष किशोर पुलिस इकाई व AHTU की मासिक समीक्षा व समन्वय बैठक। किशोर न्याय अधिनियम, पास्को एक्ट, बाल श्रम, बच्चों को नशीले पदार्थों से बचाव के संबंध में हुई चर्चा। कहा, सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना अपराध। नगर निगम के सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग महाअभियान का महापौर ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। 35 वाहनों को किया रवाना। नगर आयुक्त ने कहा, डेंगू और जल जनित रोगों से बचाव के लिए 70 वार्डों में कराया जा रहा है सैनिटाइजेशन और फॉगिंग। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई ग्राम प्रधानों की बैठक। गाँव के विकास की समीक्षा के साथ अभ्युदय योजना में प्रतियोगी छात्रों को जोड़ने पर हुई चर्चा। जल जीवन मिशन योजना के तहत नीर निर्मल परियोजना में चयनित ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को जल गुणवत्ता जांच का दिया गया प्रशिक्षण। हर घर नल से जल योजना की दी गई जानकारी। बदलते मौसम तथा बाढ़ की स्थिति में सुधार आने के बाद जिला अस्पताल के OPD में मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने कहा, मंगलवार को देखे गए 1678 मरीज, उपचार की है समुचित व्यवस्था। मंगलवार को मीडिया से रूबरू होते हुए BJP किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने 15 सितंबर को होने वाली कार्य समिति की बैठक की दी जानकारी। कहा, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर 71 जवानों और किसानों को किया जाएगा सम्मानित। हर बुधवार पुलिस आपके द्वार के तहत SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा बुधवार को बांसगांव थाने पर लगाया जाएगा रात्रि चौपाल। अन्य राजपत्रित अधिकारी विभिन्न थानों पर रहेंगे मौजूद। SSP ने कहा, रात्रि चौपाल में जनता की समस्याओं को सुनकर किया जाएगा उसका निस्तारण। मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 65 केंद्रों पर 18,465 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 12,758 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 5,707 लोग रहे शामिल। CMO ने कहा, 17 सितंबर को चलेगा टीकाकरण का महाअभियान, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जिलाधिकारी को प्रेषित किया ज्ञापन। प्रवेश नहीं लेने वाले स्कूलों पर कार्यवाही करने की मांग। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,408। अब तक 849 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 13 हुए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। सरकार द्वारा कार्यमुक्त करने के आदेश के विरोध में स्वच्छताग्रही संघ ने किया धरना प्रदर्शन। जिलाध्यक्ष ने कहा, पंचायत विभाग में किया जाए स्वच्छताग्रहियों को समायोजित। BJP व्यापार प्रकोष्ठ महानगर के नए कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का किया गया सम्मान। महानगर संयोजक ने कहा, सरकार की योजनाओं को ले जाएंगे व्यापारियों के बीच, 2022 में बनाएंगे प्रदेश में भाजपा सरकार।
और जनपद में बहने वाली तीनों नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी, लेकिन राप्ती नदी अभी भी खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर। आपदा प्रबंधक ने कहा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किया जा रहा है राशन किट का वितरण, स्थिति है सामान्य।